नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं कर्फ्यू लागू होने से केवल 3 घंटे पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके अनुसार किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी और दूध पशु चारा से संबंधित दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट से टेकअवे की सुविधा रात 8 बजे तक रहेगी। इसी बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी काफी डराने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये है कि आखिर जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है आपके हित के लिए कितनी पालना इसकी की जा रही है, कितने लोग सजग हैं, कितने लोग सतर्क हैं और कितने लोग लापरवाह। इसकी पूरी जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, उसी को लेकर पूरी जानकारी साझा करने के लिए जयपुर से हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह जादौन जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या लगता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है उसका कितना असर दिखाई दे रहा है, तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? देखिए अभी छवि, इससे हम लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू का रूप देंगे, क्योंकि राजस्थान जो सरकार है, सूबे के मुखिया है अशोक गहलोत, उन्होंने इसे कर्फ्यू कहा है। कल शाम 6 बजे से कर्फ्यू का ऐलान हो चुका था। कर्फ्यू का जब ऐलान हुआ था उससे 2 घंटे पहले गाइडलाइन आई थी। पूरे मार्केट में भगदड़ देखने को मिली। भगदड़ में इतना रूप भयानक हो गया कि मार्केट में, जो हम बाजार की बात करें, सारी दुकानों में सिर्फ और सिर्फ केवल दिख रहा था तो भीड़ तंत्र दिख रहा था। भीड़ इतनी उमड़ चुकी थी क्योंकि हर व्यक्ति को यह था कि क्या पता कब तक का ये लॉकडाउन है। लेकिन मैं मरुधर बुलेटिन सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देता है, उसी के माध्यम से आपको बता दूं कि ये वीकेंड कर्फ्यू है। कर्फ्यू का रूप इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि सप्ताह के अंत में इसका लगाने का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो लास्ट में इसकी गाइडलाइन आई थी, क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या बंद नहीं रहेगा, वो वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होने से मात्र 2 घंटे पहले आई थी। तो बाजार में भीड़ जरूर देखने को मिली, लेकिन कल शाम को 5 बजे प्रशासन ने आसानी से बाजार बंद करा दिया था। कहीं भी कोई हानि नहीं हुई और सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पुलिस की समझाइश पर बंद कर दिए थे, जिससे कहीं ना कहीं एक खाका तैयार हुआ कि प्रदेश में लोग वीकेंड कर्फ्यू को मानने को तैयार हो गए। सोमवार को सुबह बाजार खोल दिए जाएंगे। मैं देख रहा था पूरे जयपुर में आज डेयरी खुली थी, मेडिकल खुले थे, किराना स्टोर खुले थे। जो जो गाइडलाइन में खुलने के लिए कहा है वही सिर्फ खुले हैं, जिनको खोलने के लिए नहीं कहा कहीं भी नहीं खुले। बात करेंगे ट्रैफिक की, मैं तमाम ट्रैफिक स्टेशनों पर पहुंचा जहां पुलिस पूरी तरह से इसकी मुस्तैद होकर पालना करवा रही है। यही नहीं, आपसी समझाइश भी कर रही है और मास्क का वितरण भी कर रही है, सोशल डिस्टेंस रखने की सलाह भी दे रही है। छवि जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी सख्ती बरती जा रही है ये बताइए। बिल्कुल छवि, मैं आपको बता चुका हूँ, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर बात करूँ ट्रैफिक पुलिस की या फिर थानों की पुलिस की, 75% थाने की पुलिस भी ट्रैफिक पॉइंटों पर लग चुकी है। वह भी लोगों को समझाइश कर रही है, तमाम आने जाने वाले लोगों के पासेस चेक किए जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सभी तरह की बातें पूछी जा रही है। जो व्यक्ति उचित कारण से जा रहा है उसे जाने भी दिया जा रहा है, मास्क की सलाह भी दी जा रही है, और जो अनुचित कारणों से जा रहा है उसे वापस घर भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोबारा नहीं आए, चालान भी किए जा रहे हैं, तमाम तरह के संसाधन अपनाए जा रहे हैं। लेकिन मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि आप भी कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और दूसरी स्टेज में जो कोरोना की लहर आई है इससे बचे, क्योंकि बचा भी अभी तक भी उपचार है। जो वैक्सीन सेंटर है उन पर भी जाने की अनुमति दी गई है, वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं अवश्य लगवाएं। जी, आपको कितने लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं, क्या उनको ये एहसास है कि कर्फ्यू लगाया गया है? जी बिल्कुल, लोगों को एहसास हो चुका है कि कर्फ्यू लग चुका है, आगे लॉकडाउन भी लग जाएगा, हम घर से नहीं निकले। अधिकतर लोग जागरूक हैं। जो जयपुर में है फुटेज आ रहे हैं, जयपुर में जो देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि जयपुर की जनता समझ चुकी है कोरोना की जो दूसरी लहर है वो भयानक है। जी जी, जो लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह सख्त है, मुस्तैद है, पुलिस चालान भी कर रही है, जगह जगह चालान हुए। मैं जोटवाड़ा थाने की नाकाबंदी पर गया, जगतपुरा गया, जयपुर के कम से कम 70 पॉइंटों पर गया, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, नाकाबंदी पर है और हर तरीके से हर हथकंडा अपना रही है कि आम लोगों को पहले समझाइश की जाए। पुलिस पहले समझाइश कर रही है और बाद में चालान भी कर रही है, लेकिन किसी भी तरह से पुलिस आम आदमी को परेशान नहीं कर रही है, केवल आम जन में विश्वास, अपराधियों की में भय की भावना से कार्य कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी साझा करने के लिए।